दोस्तों साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लेकर बीते दिनों ही एक दिलचस्प जानकारी सामने आई, जिससे बॉलीवुड फिल्मी गलियों में हलचल मच गई। और खबर ये थी कि सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को यशराज फिल्म्स ने अपनी अगली स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 के लिए साइन कर लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि इस फिल्म में RRR स्टार जूनियर एनटीआर के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की करारी भिड़त भी दिखाई जाएगी। इस खबर ने पूरा दिन खासा हलचल मचाए रखी और इस फिल्म के साथ जूनियर एनटीआर सीधी तौर पर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे। मगर अब RRR स्टार जूनियर एनटीआर को लेकर एक और बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जो जूनियर एनटीआर के फैंस के क्रेज को सातवें आसमान पर पहुंचा देने वाला है। एक रिपोर्ट्स की माने तो सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को यशराज फिल्म्स की वॉर 2 से नहीं बल्कि इससे पहले ही लॉन्च कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी सुपरस्टार सलमान खान ने उठा ली है। जी हाँ, खबरों की माने तो यशराज फिल्म्स अपनी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म वॉर 2 से पहले ही जूनियर एनटीआर को सुपरस्टार सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 के जरिए लॉन्च कर रहे हैं। और रिपोर्ट की माने तो करीबी सूत्रों ने बताया है कि पठान में जैसे टाइगर की एंट्री होती है और फिर वो एक साथ अगले मिशन का इशारा देते हैं, ऐसे ही कुछ टाइगर 3 में भी करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें सलमान खान के साथ जूनियर एनटीआर का एक जबरदस्त कैमियो रचा जाएगा जो अगले मिशन का इशारा देगा, ताकि वॉर 2 तक सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के क्रेज को दर्शकों के दिलो दिमाग में बैठाया जा सके। और अब इसके साथ ही जूनियर एनटीआर की एंट्री यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म में भारत के एक और जासूस के तौर पर हो जाएगी। इसके बाद अगली फिल्म वॉर 2 में जूनियर एनटीआर फुल फ्लेज्ड लीड रोल में ऋतिक रोशन के साथ नजर आएंगे। हालांकि अभी इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर ऐसा हुआ तो ये जरूर जूनियर एनटीआर की धमाकेदार लॉन्चिंग होगी, जिससे आदित्य चोपड़ा की फिल्म वॉर 2 को भी खूब बड़ा बूस्ट मिल सकता है। इस फिल्म की शुरुआत करने से पहले सुपरस्टार जूनियर एनटीआर पहले कोरताला शिवा के निर्देशन में बन रही फिल्म एनटीआर 30 और प्रशांत नील की फिल्म एनटीआर 31 को पूरा करेंगे और उसके बाद ही वॉर 2 फ्लोर पर जा सकेंगे। सुनने में आया है कि इस फिल्म को ब्रह्मास्त्र फेम निर्देशक आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सलमान खान के साथ जूनियर एनटीआर की एंट्री देखकर तो मजा ही आ जाने वाला है, और वो भी बड़े पर्दे पर। तो भैया इस न्यूज को लेकर मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ और चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी टाइगर 3 रिलीज हो, ताकि हमें सलमान खान के साथ जूनियर एनटीआर एक्शन करते हुए दिखाई दें। तो दोस्तों आप इस न्यूज को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी जूनियर एनटीआर के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।